बाइक सवार दंपत को अज्ञात वाहन ने रौंदा, पत्नी की मौत, पति मरणासन्न, पति के साथ मायके से ससुराल लौट रही थी मृतिका। शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शिवपुरी ग्वालियर फोर लेन पर मुड़खेड़ा टोल प्लाजा के पास मंगलवार की शाम एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक बाइक को सामने से टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल शिवपुरी में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान पत्नी ने दम तोड़ दिया, वहीं पति की हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल चौकी पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मनोज आदिवासी निवासी कोटा भगौरा ने बताया कि उसका छोटा भाई राम सेवक अपनी पत्नी नीतू को उसके मायके उमेदपुरा से लेकर कोटा भगौरा लौट रहा था, तभी मुड़खेड़ा टोल प्लाजा के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे राम सेवक और नीतू गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल शिवपुरी में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान नीतू ने दम तोड़ दिया, जबकि राम सेवक की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तुम्हारा सर मनोज नाम मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? अपन कोटा के रहने वाले हैं, कोटा भगौरा की। अच्छा, जो खत्म हो गए वो कौन थे आपके? हमारी वो बहू थी। कैसे खत्म हो गए? उनका एक्सीडेंट हुआ, वो ससुराल से लौट के आ रही थी। किसके साथ? हमारे भैया के साथ। क्या नाम है उनका? राम सेवक। जो खत्म हुई है उनका क्या नाम? नीतू। कितनी उम्र होगी? उनकी 18 करीब, 19 करीब। कौन बिरादरी हो आप लोग? आदिवासी है। तो ये कहाँ रहते थे? ये उम्मेदगढ़ मायका है और ससुराल में कोटा भगौरा है। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? उम्मेदगढ़ से लौट रहे थे घर के लिए, कोटा के लिए आ रहे थे। उम्मेदगढ़ से लौट रहे थे। अच्छा, वो ससुराल से लौट रहा था आपके भैया? लौट रहा था। कैसे? बाइक से था? हाँ, बाइक से। कैसे टक्कर हुई? किसने मार दी? सर ये तो मालूम नहीं उनको, भैया हमारे भैया तो उसको अभी होश नहीं आया। कहाँ भरती हो? ये अभी अस्पताल में भरती है, अपना बड़े अस्पताल में भरती है। उसको कार्रवाई नहीं, उसको बोल भी नहीं रहा। अच्छा, जे तुम्हारी भाभी खत्म हो गई? जी हमारी बहू थी, उनका जेठ है बड़े वाले। अच्छा, जेठ है तुम? हाँ, जेठ है। तो जी खत्म हो गई? जी खत्म। हम भोपाल काम करते थे, हमारी रात में खबर पहुँची 9:30, तो हम रात में आए थे।